Assalamualaikum, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप लोगों को पता है कल हमने लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट देखा, हम कैसे पिक्चर करते हैं, शेप कैसे करते हैं। तो आज हमें देखना है हम कैसे एक हेडर और फुटर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हेडर और फुटर होता क्या है। आप लोगों को पता है जब भी आप एक पेज पे लिखना स्टार्ट करते हैं यूजुअली आप लोग मार्जिन छोड़ते हैं, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम का मार्जिन यूजुअली हेडर एंड फुटर कहलाता है। उनका यूजुअली हम एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पेज नंबर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं, हम अपने टाइटल्स उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंसर्ट करना, फर्स्ट हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, नॉर्मल डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, देखिए ये काफ़ी पेज पे मेरा टेक्स्ट है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है मैंने दिखाया है कि मेरे पास बहुत सारे पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे हेडर इंसर्ट करना है मेरे डॉक्यूमेंट के लिए, मेरा डॉक्यूमेंट बहुत सारे पेजेस का इस वक्त बना हुआ है। तो जब आप इंसर्ट पे जाएंगे बेटा, यहाँ पे आपको हेडर और फुटर ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ नीचे जाते हैं हम, यहाँ देखिए हेडर और फुटर, आप इनमें से इधर हेडर या फुटर चुन सकते हैं। हम फर्स्ट हेडर एक्सप्लोर करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ पे हेडर है, मैं इसमें लिखना चाहती हूँ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये जो मैंने माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये मेरा हेडर बन गया। मैं चाहती हूँ ये हर पेज पे मेरी हेडिंग आनी चाहिए, जो भी हर पेज का जो टॉप वाला मार्जिन है या मेरा हेडर है, मैं चाहती हूँ हर पेज पे यही लिखा होना चाहिए। जैसे आपके कोई यूनिट होता है या यूनिट्स में सारी पेज आसन से, फॉर एग्जांपल मोशन वाला यूनिट है साइंस बुक पे, तो मोशन जिस जिस पेज पे, हर किसी पेज के हेडर में मोशन ही लिखा होता है। सिमिलरली कोई और पेज है और कोई यूनिट है, उसके हेडर में सिर्फ वही टॉपिक लिखा होता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे अगर हम नीचे वाले पेज पे गए, तो आप देख रहे हैं ये मेरा पहला पेज है, दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब अगर मैं नीचे जाऊँ, ये देखिए नीचे मैं जा रही हूँ, अब मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया। अगर मैं तीसरे पेज पे जाऊँगी वहाँ पे भी मेरा हेडर मिलेगा। दैट मीन्स आपको हर बार हर पेज के लिए हेडर अलग से ऐड नहीं करना है, जितने पेजेस आपके पास हैं हेडर उन सब में अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे हेडर फुटर के पास फिर से जाएंगे, यहाँ पे फुटर है, यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं से फॉर एग्जांपल जब आप देखेंगे हर किसी पेज के फुटर पे कॉपीराइटेड कंटेंट आ गया। तो ये हो गया फुटर, यहाँ पे लास्ट में। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा हेडर और फुटर क्या है। लेकिन कभी कभी हम लोग किसी मतलब हेडर या फुटर में पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इधर अगर आप लोगों को पेज नंबर इंसर्ट करना है अपने हेडर में या फिर फुटर में, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप लोगों को क्लिक करना है हेडर या फुटर पे, जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है। तो इस केस में हम लोग फुटर पे इंसर्ट करते हैं पेज नंबर। तो हमने फुटर पे अपना कर्सर रख दिया है यहाँ पे। तो अब हम चाहते हैं हमारा जो ये पेज नंबर है वो यहाँ पे आए। तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से दोबारा आप इंसर्ट पे ही जाएंगे। यहाँ पे फील्ड आएगा कहीं पे, यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे फील्ड आएगा, और यहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ पेज नंबर, तो मैं अगर पेज नंबर रखूँ
मेरे फर्स्ट पेज पे पेज नंबर वन आएगा, यहाँ ये जो मेरा फर्स्ट पेज है यहाँ पे पेज नंबर वन आया, एंड नीचे अगर हम जाएंगे दूसरे पेज पे वहाँ पे पेज नंबर टू आया, देखिए। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाऊँ वहाँ पे पेज नंबर थ्री आना चाहिए, पेज नंबर थ्री आ गया। एंड सो आप लोग इसी तरीके से बाकी टाइटल्स वगैरह, ऑथर्स के नाम, टाइटल्स के नाम, बाकी सारी चीज़ें आप लोग इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर में इतना ही।